वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने 9 से लेकर 12 तक के इंग्लिश के कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया है। सबसे पहले तो 30% सिलेबस बोला गया था एंड काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है इन बच्चों को जो इस साल लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th की, तो यहाँ पे नोट मेकिंग और समराइजिंग का जो टॉपिक हुआ करता था जो आपने 11th में पढ़ा होगा वो डिलीट हो चुका है। आपकी फ्लेमिंगो बुक से चार टॉपिक्स हटाए गए हैं, चार चैप्टर्स हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स हटाया गया, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस चैप्टर हटा दिया है। रोड साइड स्टैंड नाम की जो पोएट्री थी जो इस साल इंक्लूड की गई थी उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। आपकी जो विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये तीनों चैप्टर्स अलग कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो पोस्टर मेकिंग को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स जिसमें हम इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑर्डर प्लेस करते थे, ये सारे जो लेटर्स थे वो हटा दिए गए हैं। स्पीच और डिबेट हटा दिया गया है, मतलब आप 10 नंबर की राइटिंग स्किल में आपके पास सिर्फ रिपोर्ट और आर्टिकल बचता है। अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, तो क्लास 11th के सिलेबस में राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की कैटेगरी हटा दी गई है। लेटर टू एडिटर जो आप लोगों ने 10th में करा होगा वो फॉर्मेट हटा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर द जॉब बाय एडिटर रिज्यूमे 11th क्लास से हटा दिया गया है। आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग और नरेटिव्स भी हटा दिए गए हैं। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क, चेंज ऑफ वॉइस, क्लॉजेज, मोडल्स, ये भी हटा दिया गया है। लिटरेचर की मेनली बात करते हैं तो हॉर्नबिल बुक से फादर टू सन नाम की जो पोएट्री थी वो अलग कर दी गई है और दी एडवेंचर नाम का चैप्टर। स्नैपशॉट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और द टेल ऑफ मेलन सिटी जो कि विक्रम सेठ ने लिखा है, पोएट्री फॉर्म में था वो चैप्टर, वो हटा दिया गया है। क्लास 10th की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिपोजिशंस, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब क्लॉजेस, कंडीशनल्स, पैसिव वॉइस, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स को अलग कर दिया गया है। जो आपकी मेन रीडर है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोएट्री थी, ये अलग कर दी गई है। ट्रीज ऑफ फॉग और फॉर एन ग्रिगोरी, ये चार पोएम्स कम कर दी गई हैं और एक चैप्टर जिसका नाम है मिचबिल द ऑटर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से तीन चैप्टर्स अलग करे गए हैं, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द बुक दैट सेव द अर्थ नाम का जो प्ले था, तो ये सारे चैप्टर्स आपके 10th में अलग करे गए हैं। अब मैं बात करता हूँ लास्टली क्लास 9th की, यहाँ पे ग्रामर में उन्होंने पैसिव वॉइस का यूजेज, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब क्लॉजेज, कंडीशनल, टाइम्स, रिलेटिव्स, प्रिपोजिशंस, ये अलग कर दिया है। राइटिंग स्किल्स में लेटर ऑन अ सिचुएशन जो इस साल इंक्लूड हुआ था वो अलग कर दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ प्लेस इवेंट को लेके वो भी अलग कर दिया गया है। बीहाइव बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने जो पोएट्रीज अलग करी हैं वो हैं द लेक आइल ऑफ आइनेस फ्री, द डक एंड द कैंगरू एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये तीन पोएट्रीज को अलग किया है। द स्नेक एंड द मिरर नाम का चैप्टर था और काठमांडू जो विक्रम सेठ ने लिखा था वो चैप्टर्स अलग कर दिए गए हैं। मोमेंट्स बुक जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें से ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट चैप्टर को भी अलग कर दिया गया है। आई होप यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।